नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। दोस्तों, कई सारे ग्रह ऐसे होते हैं जो शादी में दिक्कतें पैदा करती है, जिससे कि लड़का हो या लड़की, उनकी शादी में बहुत सारी दिक्कतें आने लगती है। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा उपाय बता रहा हूँ जिससे कि लड़का हो या लड़की, उनकी शादी में आने वाली रुकावटें दूर होगी और आपकी शादी बिना किसी संकट के हो जाएगी। इसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान सा उपाय बता रहा हूँ जिसे लड़का या लड़की दोनों ही कर सकते हैं। दोस्तों, आपको चाहिए 8 सूखे हुए खजूर, जिसे डेट्स भी कहते हैं। अब इन 8 सूखे हुए खजूर को सोमवार को टकिया के नीचे लेकर सो जाना है और फिर सुबह मंगलवार को बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए। यह काम आप शुक्रवार को भी कर सकते हैं। आप इन सूखे हुए 8 खजूर को शुक्रवार को टकिया के नीचे लेकर सो जाइए और फिर सुबह शनिवार को बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा करने से आपकी शादी में जो भी रुकावटें हैं या संकट है, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। कि दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि यह उपाय कितने दिनों तक करना है। तो दोस्तों, किसी किसी के ग्रह बहुत ही कष्ट देने वाले होते हैं, तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि आप कितने दिन तक करेंगे। लेकिन अगर यह उपाय आप एकदम श्रद्धापूर्वक से करेंगे, तो यह उपाय जल्दी से जल्दी आपके संकटों को दूर करके आपके विवाह होने में मदद करेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको एक दूसरा उपाय बता रहा हूँ जिसके लिए आपको इसमें थोड़े से पैसे खर्चे करने पड़ेंगे। दोस्तों, इस उपाय में आपको एक मूंगा का रत्न चाहिए। यह मूंगा लाल रंग का होता है। अगर लड़की की शादी नहीं हो रही है तो आपको 4.25 यानी कि 4 1/4 रत्ती का मूंगा पहनना चाहिए। आप इसकी सोने की एक अंगूठी बनवा लीजिए, फिर मंगलवार के दिन सुबह के समय थोड़ा सा कटोरी में दूध ले लीजिए, फिर अंगूठी डाल दीजिए, फिर अंगूठी को पानी से धो दीजिए, फिर इसे थोड़ा सा धूप दिखाकर भगवान का आशीर्वाद लेकर इस अंगूठे को सीधे हाथ की अनामिका उंगली, जो छोटी उंगली के बाजू की उंगली होती है, रिंग वाली उंगली, वहां पहन लीजिए। इस अंगूठे को पहनने से भी आपकी शादी में जो बाधाएं आ रही है वह दूर हो जाएगी। दोस्तों, अब अगर लड़के की शादी नहीं हो रही है तो उसे भी मूंगा ही पहनना है। लड़के को 6.25 रत्ती यानी कि 6 1/4 रत्ती का मूंगा लेना है, फिर उसकी सोने की अंगूठी बनवा लेनी है और मंगलवार के सुबह में उस अंगूठी को थोड़े से दूध और पानी में धोकर और थोड़े से धूप दिखाकर और भगवान का आशीर्वाद लेकर आपको इसे सीधे हाथ की अनामिका उंगली में धारण कर लेनी है। इससे लड़के के शादी में अगर कोई रुकावट आ रही है तो वह दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, आप इन उपाय को करिए, बहुत ही जल्दी से जल्दी आपको इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। कई सारे लोग इन उपाय को करके शादी भी कर चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये उपाय अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय श्री कृष्णा।